वहीं राजधानी रायपुर में भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस को लेकर कहा कि आज कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस चुनाव में झूठ का साहस सहारा ले रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल और परिवार ने भाजपा में प्रवेश किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल कांग्रेस ने खूब फर्जीवाड़ा किया, लेकिन अभी भी सुधार नहीं हुआ है और लगातार कांग्रेस भ्रम फैला रही है, छोड़कर अब भाजपा पर विश्वास कर रही हैं। दिग्गज नेता अरुण सिसोदिया की भी बात है, वो आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से आया है। एक और जो विषय है, इनके प्रदेश महामंत्री जो संगठन थे चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है, कांग्रेस में रहते हुए एक लाइन होती है इसलिए वो नहीं कह रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जीरम के मामले में, पूरा जीरम कांड को ही, भूपेश बघेल को जीरम कांडी में संदिग्ध बताया पत्र के माध्यम से। रांगांव के दिग्गज नेता सुरेंद्र दाऊ ने भी भूपेश साहू पर खुले मन से गंभीर आरोप लगाया है। जीरम जिसके सबूत भूपेश बघेल जी के जेब में हुआ करते थे सरकार बनाने के पहले और सरकार बनने के 5 साल के दौरान। आखिर हमारा प्रश्न है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने अपने ही नेताओं की जो शहादत हुई है उस पर भी ईमानदारी के साथ में उन्होंने निर्णय क्यों नहीं किया, ईमानदारी के साथ में क्रियान्वयन क्यों नहीं किया, आज हम तो पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ में सही उचित निर्णय क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि हमारे सांसद प्रत्याशी, अभी जो सिटिंग सांसद है संतोष पांडे जी ने भी इस बात को कहा कि जो नांदगांव का सपूत था उदय मुदलियार, जो वहां जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ भी किस तरीके से बेईमानी की गई है, इसका सवाल वहां के कांग्रेस के नेताओं ने और साथ ही साथ हमारे सांसद जी ने भी कहा है। चुनौती है कि इसके बारे में भूपेश बघेल जी आकर सामने आकर जवाब दें।